अपनी बाइक की भाई बैटरी खराब हो चुकी है ना, तो अभी 12 दिन लगेंगे भाई बैटरी आने में नई। और भाई उस बैटरी की मैं कोस सुन के ना हिल गया भाई। और ये देखो क्या हो गया भाई, भाई साहब टायर फट जाएंगे 40 और 35 में। तो गाइस निकल रहे कॉलेज से, करनी है सर एंट्री। ठीक है सर, थैंक यू। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं भाई खरड़, और पता नहीं भाई कौन कौन से रास्तों से लेके जा रहा है गूगल मैप। बाबा भाई की गाड़ी भाई पत्थर से लग गई आगे। चलो भाई कर दी अपने अनु भाई ने हेल्प बंदों की, कैमरा ऑफ था तब। ओके भाई अभी का सीन कुछ ऐसा भाई, निकलने लगे अब हम भाई BMW के शोरूम। और ये रहे भाई वो जहाँ पे हम रुके थे इन भाई के पास है ना, अमन भाई हैं अपने हमीरपुर साइड से, ये भाई हैं और ये भाई के भाई हैं छोटे है ना। तो निकल रहे अब, और अपने अनु भाई ये रहे, अनु भाई ने कांड कर दिया भाई मेरा पर्स क्या हो गया अपने अनु भाई। तो निकलते हैं भाई है ना फुल पापर यहाँ से। तो भाई लोग अभी का सीन कुछ ऐसा भाई, हम निकले BMW के शोरूम के लिए, और भाई ट्रैफिक चेक करो यार, इतना ट्रैफिक है ना, खरड़ में फंस चुके हैं भाई खरड़ से आगे आके, और बहुत बुरा हाल है भाई ट्रैफिक का इस टाइम। यहाँ पे लेट हो गया भाई वहाँ पहुँचने के लिए, इतना ट्रैफिक था ना पीछे क्या ही बताऊँ मतलब। और अब चलते जल्दी। तो गाइस फाइनली पहुँच गए भाई हम BMW के शोरूम के पास, और यहाँ से लेते हैं भाई अब लेफ्ट। तो गाइस बहुत ट्रैफिक है आज यहाँ पे, हद हो गई है भाई। लो भाई पहुंच गए हैं कृष्णा ऑटोमोबाइल्स। सर चेक करानी है बाइक। ओके पहुंच गए भाई BMW के सर्विस स्टेशन। तो भाई लोग अभी का सीन कुछ ऐसा भाई, निकल रहे हैं भाई हम BMW सर्विस स्टेशन से, और अपनी भाई बाइक में भाई इशू आया भाई, इसकी बैटरी इशू, इसकी बैटरी हो गई है भाई ख़राब है ना, तो वो चेंज होगी भाई अभी मतलब लगेंगे बैटरी आने में 10-12 दिन, तब तक भाई यही बैटरी यूज़ करनी पड़ेगी, देन उसके बाद फिर से आना पड़ेगा भाई हमें यहाँ पर है ना। तो चलते भाई अब यहाँ से, और निकलते हैं भाई अब घर के लिए। गेट पास वगैरह कुछ नहीं है ना आज, क्योंकि काम नहीं हुआ है ना बाइक का, तो उन्होंने बोला कि बता देना उधर बाहर ना सर को, नहीं हुआ ना। हाँ निकले, ठीक है सर थैंक यू। बड़का कुछ जाना है, ठीक है बड़का जी। फिर से ट्रैफिक में फंस गए भाई, सिग्नल बहुत ट्रैफिक है गाइस, बहुत ट्रैफिक है इस टाइम भाई, सभी अपनी ऑफिस से भाई घर वापस जा रहे हैं, और इतना ट्रैफिक है ना यहाँ पे। चल रही
रही है ना भाई, हवा चल रही है उसके कारण भाई बाइक बबल हो रही है भाई थोड़ी बहुत ना, या फिर मेरे को लग रहा है टायर प्रेशर चेक कराना पड़ेगा अपनी बाइक के टायर में, प्रेशर कम है क्योंकि बबल हो रहा है भाई। अभी रुकी भाई चाय पीने के लिए कि एक इंसिडेंट हो गया भाई, अभी बाइक चल रही थी हमारी हाईवे पे ना, स्पीड थी भाई 130 समथिंग, तो सुबह गिरा था भाई हेलमेट है ना बाइक से, और ये देखो क्या हो गया भाई, भाई साहब ये नेट ही टूट गया भाई तक से। अब भाई कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा भाई इसको ना मंडी तक पहुँच, मंडी पहुँचने के लिए, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी बाइक चलाना बहुत ज़्यादा। तो भाई अभी का सीन कुछ आता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो अपना जुगाड़ जुगाड़ तो करना पड़ेगा, बाकी भाई ये देखो पैटी शैटी मंगाई है ना, और एक खड़ी है भाई अपनी बाइक क्या शानदार लग रही है ना, काम वैसे हुआ, और ये देखो क्या हो गया भाई, भाई सब बताया नहीं कि भाई क्या बोला कंपनी वालों ने, भाई सीन ऐसा है कि अपनी बाइक की भाई बैटरी खराब हो चुकी है ना, तो अभी 12 दिन लगेंगे भाई बैटरी आने में नई, और भाई उस बैटरी की मैं कॉस्ट सुन के ना हिल गया भाई, अगर सोचो वारंटी में नहीं होती तो मतलब 8000 रुपया किया था फिर से, मतलब 8000 की बैटरी थी वो है ना, तो ठीक है भाई अपना क्या है वारंटी में थी बैटरी तो भाई फ्री में चेंज होगी, एंड साथ में भाई इसकी एक पैडिंग होती है भाई पूरी इस पैनल पे पैडिंग होगी ठीक है, इस मतलब दूसरी साइड इस पूरे पैनल की एक पैडिंग होती है ठीक है भाई, तो वो पैडिंग भी भाई करवाएंगे हम, मतलब 1000 रुपये वो रख लो, तो मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब 3-4 हज़ार का खर्चा होगा, साथ में इंश्योरेंस रिन्यू करानी है अपनी बाइक की 7000 रुपया वो, तो मतलब रख लो भाई मोटा मोटा 10000 का खर्चा नेक्स्ट मंथ एक और आ गया है ना, आज भाई समझ लो खज्जल लूँगा इस बाइक के साथ मोटा खर्चा कराती है, बाकी भाई चाय पीते हैं, और अनु भाई ने हेलमेट का वाइजर तोड़ दिया, अनु भाई ये तोड़ा, अनु भाई ने भाई एक वाइजर और तोड़ दिया है ना, तो कोई सीन नहीं भाई दिलवाते हैं, मन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे भाई कुछ ना कुछ है ना। भाई लोग अब निकल रहे हैं भाई आगे की ओर, एंड अंधेरा हो गया भाई यहीं पे ही, 6 बज गए हैं भाई, और बाइक को करते गरम, और बड़े अच्छे ढाबे पे रुके थे भाई, स्वाग का बड़ा ढाबा भाई ये है ना, और निकलते हैं भाई अब यहाँ से, और मिलते हैं अब आपको आगे भाई, रिफिल कराते हैं फिर से एक बार, टैंक 112 की रेंज है और सफर बड़ा लंबा है, तो कराते भाई रिफिल, सर टैंक फुल कर दो थल्ले उतर के, टैंक फुल ठीक है, इसमें तेल है बिना एकदम बाहर ना निकले उछले, 500 का कर दो सर, रुक जाओ 500 का करो बस, भाई अगली में 29 पिछली में 32 पिछली 32 अगले 29 टायर फट जाएंगे 40 और 35 में, बंदे वहाँ जो मौत हो जाएगी बंदे की, क्या कर रहे हो आप इतना मत भरो 40 है, पिछली 32 होती है ना स्कूटी की भी हैं, और टायरों का हिसाब की बड़ा, एक मिनट मैं पीछे कर लेता लोक में तोड़ना, बी एम डब्ल्यू का सर ये तो उस, इसके टायर तो उससे बड़े हैं, तो इसमें ज़्यादा हवा आनी चाहिए क्यों उनमें, नहीं 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 बड़का जी आप गलत कर रहे हो, पिछले में हमेशा 32 रखनी स्कूटी के में, और अगले में 30 इसमें 32 करो 32 बत्ती हाँ नहीं 32 बात करो भाई, मतलब स्कूटी में पिछले में 40 अगले में 35 भाई ख़तरनाक ही सीन है तो चलो भाई हो गई अपनी एयर प्रेशर चेक, निकलते हैं फुल पावर यहाँ से, एंड अब निकलेंगे आगे के लिए भाई, टोल पे पहुँच गए हम, और टाइम हो रहा है भाई 6:28 तो लोग आए फाइनली अभी हैं भाई हम हिमाचल में एंट्री ले रहे हैं, तो भाई लोग अभी का सीन कुछ ऐसा भाई हम मैं भाई अभी सुंदरनगर से पीछे, और यहाँ रुके भाई खाना खाने के लिए, ये अनु भाई हैं, और भाई ये कुछ मंगाया हमने खाना खाने के लिए क्योंकि भाई लेट हो गया रूम पहुंचने के लिए, 9 बजने वाले हैं अभी, और रूम पे जाके बताइए आपको कौन कहाँ से खाएंगे हम, खाना बनाने का टाइम है नहीं, तो खाते हैं खाना और निकलते हैं फिर रूम, और मिलते हैं फिर आपको बाइक पे ही। तो दोस्तों अभी भाई खाना वगैरह खा लिया, और भाई यहाँ पे रुके थे माय स्पेस रेस्टोरेंट में भाई, अल्टीमेट खाना था, और अब निकल रहे हैं भाई रूम के लिए, और बाइक लगाइए भाई को स्टार्ट पे हैं देखो भाई अनु भाई की हालत
टेप के सहारे चलाना पड़ रहा है हेलमेट अब तो। निकलते भाई फुलवा पर है ना, स्टैंड उठाते भाई, जर्नी टुगेदर जी। ठीक है भाई, थैंक यू। ठीक है फिर है ना, ओके भाई। आपका रेस्टोरेंट है भाई ये? ठीक है भाई, पक्का रुकेंगे। ओके